मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। गुड न्यूज मिनिस्ट्रीज आपके लिए ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है यीशु में आशा। अगर आपके जीवन में कोई आशा नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को समझें और इसे स्वीकार करें कि सिर्फ यीशु में ही आशा है। यीशु आशाहीन के लिए आशा है। मैं चाहती हूँ कि आप इस कार्यक्रम को एक बड़े उम्मीद के साथ देखें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये कार्यक्रम आपके और आपके परिवार के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। प्रभु आपको आशीष करे। Brothers and sisters, I greet you all in the mighty name of the Lord Jesus Christ. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का अभिवादन करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। We have come to the last week of this year 2019. और हम इस साल के जो 2019 के आखिरी सप्ताह में पहुंच चुके हैं। Thus far, the Lord has blessed us and He has been with us because of His grace. We are alive today. अब तक परमेश्वर हमें हर एक आशियों से भरा है और उसके अनुग्रह के कारण आज भी हम जीवित हैं। And because of His mercies, we are able to finish this year. और उसकी दया के कारण आज हम इस साल को पूरा करने जा रहे हैं। And the happiest thing is we are going to enter into the new year. और सबसे खुशी की बात यह है एक नए साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। We are going to enter into 2020. We are going to enter into the new decade also. और हम देखते हैं एक नए साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं जो 2020 के तौर पर। One side we are excited because we are going to enter into a new decade. और एक तरफ हम देखते हैं एक नए साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। And other side we are really worried because how 2020 would be. और दूसरी ओर हम इस जिज्ञासा के साथ हैं किस प्रकार होगा 2020। So before entering into the new year, उस नए साल में प्रवेश करने से पहले, in the last week of this year, I want you to first of all evaluate 2019. So इस आखिरी सप्ताह में हम अपने आप को सबसे पहली बार हम देखें कि किस प्रकार हम अपने मूल्यांकन करते हैं इस 2019 को। God has already given us 2019. परमेश्वर ने हमें दे चुका है 2019. 365 days. 365 दिन. 12 months he has given us. 12 महीने परमेश्वर ने हमें दिए. He has given us 52 weeks. और 52 सप्ताह परमेश्वर ने हमें दिए. We need to first of all evaluate how 2019 was. सबसे पहले हम अपने आप का मूल्यांकन करें किस प्रकार था 2019. Then only you can be more effective in 2020. तभी आप और भी प्रभावित हो सकते हैं 2020 में. If you do not evaluate the past, if you do not evaluate your life today in the last week, you won't be a more successful, more effective in 2020. अगर आप अतीत के साल को इस प्रकार मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं तो कभी भी एक सफलता के साथ आपका 2020 नहीं होगा। So we are going to do three things. हम तीन बातों को यहाँ पर करेंगे। First of all, we are going to evaluate the 2019. सबसे पहले हम 2019 का मूल्यांकन करेंगे। And then we are going to, you know, plan for 2020. उसके बाद हम योजना बनाएंगे 2020 के लिए। And thirdly, we are going to seek the grace of God in our life so that we will be more effective and more powerful. और उसी के साथ परमेश्वर की उस अनुग्रह की खोज में हम रहेंगे ताकि और भी प्रभावी तौर पर 2020 हमारे लिए होगा। And I want you to take time in this week and sit in one place or sit in the presence of God and try to evaluate your life. मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ समय निकालकर किसी जगह में या प्रार्थना के साथ उसके सम्मुख में बैठकर मूल्यांकन करें किस प्रकार का ये साल था जो 2019। How is your spiritual life today? आज आपका आत्मिक जीवन किस प्रकार है? God has given you 12 months. परमेश्वर ने आपको 12 महीने दिए थे। In these 12 months, are you able to go close to God? ये 12 महीने में क्या आप परमेश्वर के और करीब पहुंच पाए हैं या नहीं? Are you able to spend time with God? क्या आप समय निकाल पाए थे परमेश्वर के साथ? In those 12 months, you went through different situations. Are you able to
अंडरस्टैंड द नेचर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। विभिन्न परिस्थितियों से आप गुजरते गए, क्या आप परमेश्वर की उन खूबियों को पहचान पाए या जान पाए इन दिनों में? Were you able to understand the nature and the love of God in your life? क्या आप परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर के उस प्रेम को पहचान पाए थे इन दिनों में? From January till December, we went through ups and downs. जनवरी से लेकर दिसंबर तक कई तरह की ऊंचाई और निचाई की ओर हम गुजर रहे थे। In many areas we were not faithful to God. और कई ऐसे जगहों में हम परमेश्वर के सम्मुख में विश्वास योग्य नहीं थे। Many times we fell and fall short of the glory of God. और कई ऐसे जगहों में परमेश्वर की महिमा से हम रहित हो चुके थे। In those times were you able to experience the grace of God in your life? उन समयों में क्या आप परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव कर पाए थे या नहीं? First of all, I want you to evaluate and examine your spiritual life. सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन को इस प्रकार मूल्यांकित करें या जांच करें, किस प्रकार है आपका आत्मिक जीवन। Secondly, I want you to examine your financial condition. और दूसरा, आप देखें आपकी आर्थिक स्थिति कैसे है। Do you have any loans? क्या आपके जीवन में कोई लोन है? Or do you have any savings? क्या आप कुछ बचा रखे हैं? Where you are financially? आर्थिक तौर पर आप कहां पर हैं? Are you strong or are you weak financially? क्या आप मजबूत हैं आर्थिक तौर पर या फिर कमजोर हैं? Were you able to give to God? क्या आप परमेश्वर को दे पाए हैं कुछ भी? Were you able to help others? क्या आप दूसरों को सहायता कर पाए हैं? What is your financial status? क्या है आपकी जो आर्थिक स्थिति? I want you to examine, I want you to evaluate your financial condition also. आप जांचने पाए जो आर्थिक स्थिति आपके जीवन का। Thirdly, I want you to evaluate your physical condition. और तीसरा, हम देखेंगे कि आपकी शारीरिक स्थिति कैसे है। Your body is more important. आपका शरीर और महत्वपूर्ण है। You are growing old also. आप उम्र में बढ़ रहे हैं। But still, I want you to evaluate your physical life. और इस समय मैं चाहता हूं कि आप अपने शरीर का भी इस प्रकार मूल्यांकन करें। Are you having healthy food? क्या आपने अच्छे या स्वास्थ्य से भरे हुए भोजन खाए हैं? Are you able to sleep properly? क्या आप अच्छे से आराम कर पाते हैं? Are you able to take rest properly? क्या आप सही समय पर या सही तौर पर आराम कर पाते हैं? I want you to check your physical condition also. मैं चाहता हूं कि आपके शारीरिक बात को भी आप जांच कर देखें। In these 12 months, इन 12 महीनों में, how is your family relationship? आपकी पारिवारिक रिश्ता कैसे है? Do you have good relationship with your family members? क्या परिवार के लोगों के साथ आपका रिश्ता अच्छा था अब तक? Are you coming close to one another or going away from one another? क्या आप एक दूसरे से करीब आ रहे हैं या फिर दूर हो रहे हैं? Why you are coming together or why you are not able to come together? I want you to examine and evaluate. अगर नहीं आ पा रहे हैं तो जांच के देखें क्यों आप इस प्रकार एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। So in the last week of this year, I want you to first of all examine 2019. इस साल के आखिरी सप्ताह में जब हम आ चुके हैं, आप अपने आप को जांचें, मूल्यांकन करें किस प्रकार की अवस्था थी 2019। After examining your life, उस प्रकार मूल्यांकन करने के बाद, After evaluating 2019, और आप 2019 को इस प्रकार जांचने के बाद, First of all, I want you to thank God for all the things that the Lord has helped you. मैं चाहता हूं कि उन सभी के लिए आप परमेश्वर जो कुछ आपके जीवन में किया है उसके लिए धन्यवाद करें। I want you to thank God for your life. आपके जीवन के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। I want you to thank God for the good health the Lord has given to you. मैं चाहता हूं कि आप धन्यवाद दें जो अच्छा स्वास्थ्य परमेश्वर ने आपको दिया। Today you are breathing, today you are alive. It is just because of God's grace. आज आप सांस ले पाते हैं, जीवित हैं, वो केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। I want you to thank God in this wonderful week. इस अच्छे सप्ताह के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। And secondly, I want you to confess your sins and reconcile with God.
और दूसरा हम देखते हैं कि आप अपने पापों को अंगीकार करते हुए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आ जाएं। In this 12 months, you might have gone away from God little bit. हो सकता है इन 12 महीनों में आप परमेश्वर से थोड़ा दूर हो गए। You may not be faithful to God. हो सकता है आप विश्वास योग्य नहीं हो पाए होंगे। You may not be sincere. आप ईमानदार नहीं हो पाए होंगे। You are not able to spend time with God. या फिर परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाए होंगे। In this week, I want you to confess your sins and I want you to repent. मैं चाहता हूं कि इस सप्ताह में अपने पापों को अंगीकार करें और उन गलतियों को मानने पाएं। Repentance is very, very important. मन फिराव बहुत ही जरूरी है। On the one hand, you have to thank God. On the other hand, you have to repent. एक तरफ आप इस प्रकार परमेश्वर को धन्यवाद दें, दूसरी ओर आप मन को फिराएं। After spending time alone with God, after thanking God and after repentance, now I want you to take some resolution for 2020. कुछ समय आप इस प्रकार व्यतीत करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने गलतियों को मानते हुए अंगीकार करते हुए आगे बढ़कर आप एक नए साल का संकल्प करने पाएं। Many times people would come and tell me or people would come and ask me, Pastor, how the new year would be. और कई लोग कई बार मेरे पास आकर इस प्रकार पूछते हैं, पास्टर जी कैसा होगा ये नया साल? What is God's promise for me? क्या है परमेश्वर की प्रतिज्ञा मेरे लिए? What the Lord is trying to do in my life? क्या परमेश्वर मेरे जीवन में करना चाहता है? Yes, God is willing to do lot of things in our life, but we also should do many things in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, उसी के साथ साथ हमें भी बहुत कुछ चीजें करनी हैं। If you do not help yourself, God is not willing to help you. अगर आप अपने आप को सहायता नहीं करते हैं तो परमेश्वर सहायता नहीं कर पाएगा। So after that, after thanking God, I want you to plan for 2020. ये करने के बाद आप 2020 के लिए इस प्रकार योजना करें। First of all, you should have spiritual resolutions. सबसे पहले हम देखें जो संकल्प आप करते हैं उसमें सबसे पहले है न्यू आत्मिक तौर पर संकल्प करना। The goal of our spiritual resolution should be going close to God. हमारा आत्मिक संकल्प का लक्ष्य वही होना चाहिए कि हम परमेश्वर के और करीब होएं। For that we may read more Bible or pray more or seeking the face of the Lord more. उसके लिए हो सकता है आप ज्यादा बाइबल के वचन को पढ़ेंगे या परमेश्वर के और करीब होंगे या उसकी आज्ञा को पालन करेंगे। Main thing is you must go close to him. सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप उसके करीब और जाएं। How far you want to go close to him? कितना आप उसके करीब जाना चाहते हैं? Take a spiritual resolution. एक आत्मिक संकल्प आप लेने पाएं। How long you are going to pray? कितने समय तक आप प्रार्थना करने जा रहे हैं? How many minutes you are going to pray? कितने मिनट आप प्रार्थना करेंगे? How many chapters you are going to read? कितने अध्याय को आप पढ़ेंगे? What are the ministry that you are going to do for the Lord? और किस प्रकार की सेवकाई आप करेंगे उस प्रभु के लिए? I want you to take the spiritual resolution. ये आत्मिक संकल्प आप लेने पाएं। Lord, I will pray. प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा। I will read your word. मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा। I will attend the church. मैं उस प्रकार तेरी आराधना में भाग लूंगा। Once a week I will fast. सप्ताह में एक दिन मैं उपवास करूंगा। I will share your love to others. मैं तेरे प्रेम को अन्य लोगों तक पहुंचाऊंगा। I will support my local church. मैं जो स्थानीय कलीसिया है उनकी सहायता करूंगा। And I will be a blessings, oh God. मैं एक आशीष का कारण बनूंगा। Secondly, दूसरी ओर, you have to take a financial resolution. एक आर्थिक या वित्तीय संकल्प आपको लेना है। After spiritual resolution, financial resolution is very, very important. आत्मिक संकल्प लेने के बाद जो आर्थिक या वित्तीय संकल्प लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। In financial decision, your income and your expenditure, should match with one another. जब आप जो आर्थिक संकल्प लेते हैं, जितना आपको तनख्वाह मिलती है उतना ही या जितना आप खर्च करना चाहते हैं, ये दोनों एक साथ मिलने पाए। What is your salary? आपकी तनख्वाह क्या है? What are the expenditures you have to do? क्या कुछ आपको खर्च करना है? So I want you to sit and analyze and plan properly.
आप बैठ कर सही तौर पर उसके बारे में सोचें और विचार करें. एंड थर्ड रेजोल्यूशन इज फिजिकल रेजोल्यूशन. और तीसरा जो संकल्प है वो है शारीरिक संकल्प. यू नो योर फिजिकल कंडीशन इज मोर इम्पोर्टेंट. आपकी शारीरिक जो संकल्प बहुत ही जरूरी है. योर बॉडी इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. You know, otherwise you cannot live in this world. आपका शरीर बहुत ही जरूरी है. नो उसी के द्वारा आप इस दुनिया में रहते हैं. And I want you to take a decision to have healthy food. You know, मैं इस प्रकार कहता हूँ, आप एक निर्णय ले कि अच्छे भोजन को आप करें. You should have a healthy life. आपका जो जीवन है एक अच्छा स्वास्थ्य के साथ हो. You know, most of the time I've seen, you know, people they are spending 24 hours only for others. और मैंने देखा कई ऐसे लोगों को जो पूरे 24 घंटे दूसरों के लिए समय व्यतीत करते हैं. At least 2 to 3 hours you have to take it for yourself. नो कम से कम 2 से 3 घंटे तक आप अपने लिए वो समय को लें. You should take minimum 2 to 3 hours for yourself. 2 से 3 घंटे तक वो समय आप अपने लिए लिए. You can do some physical exercise. कुछ शारीरिक कसरत आप कर सकते हैं. You can spend time alone with God. आप कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं अकेले परमेश्वर के साथ. You can read Bible. आप बाइबल को पढ़ सकते हैं. So these are things will surely help you. ये सभी चीजें निश्चय आपको सहायता करेगी. And fourthly and finally. और चौथा और आखिरी बात. I want you to take some resolution for your family also. आप कुछ ऐसे संकल्प लें आपके परिवार के लिए. Many times we spend lot of time with our family members. The question is, are you spending valuable time. कई बार हम कई ऐसे समय जो समय व्यतीत करते हैं अपने परिवार के साथ, क्या कभी आपने सोचा है जो सही समय या मूल्य जो समय है क्या अपने परिवार के साथ बिताए हैं या नहीं. स्पेंडिंग टाइम विद आवर फैमिली मेंबर्स इज मोर इम्पोर्टेंट. अपने परिवार के लोगों के साथ समय व्यतीत करना बहुत जरूरी है. इन सम फैमिलीज व्हेन दे कम टुगेदर इमीडिएटली दे फाइट. और कुछ ऐसे परिवार में हैं जैसे ही वो पूरा परिवार एक साथ आते हैं वो इस प्रकार झड़पते हैं. मेक श्योर व्हेन यू ऑल कमिंग टुगेदर यू स्पेंड गुड टाइम विद वन अनदर. याद रखें जब आप उस प्रकार आते हैं समय व्यतीत करने के लिए एक अच्छा समय आपके साथ होने पर. लव वन अनदर. एक दूसरे से प्रेम करें. नोबडी इज परफेक्ट. कोई भी सिद्ध नहीं है. नोबडी इज परफेक्ट. कोई भी सिद्ध नहीं है. बट स्टिल वी हैव टू लिव टुगेदर. फिर भी हमें एक साथ रहना. So I want you to spend valuable time with your family. How long you are going to spend, time with your family members? आप कितना समय निकालना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, ये बहुत ही जरूरी चीज है. All these things will help you to have a wonderful 2020. ये सभी चीजें या ये सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके 2020 में. My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, God is brought you till this end. इस क्षण तक परमेश्वर आपको ले आया. He has helped you to almost to finish this 2019. परमेश्वर ने आपको सहायता की 2019 के आखिरी दिनों तक. Is Ebenezer. और वो Ebenezer है. Thus far he has helped you. वो अब तक मेरी सहायता की है. Surely he will help you in the coming days also. निश्चय वो आने वाले दिनों में भी सहायता करेगा. God will take you to 2020 and he will bless you also. निश्चय परमेश्वर आपको 2020 में ले जाएगा और आशीषों से भरेगा. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for this amazing, wonderful time, O God. ये इस अच्छे समय के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं. Lord Jesus, we have come to the last week of this 2019. हम इस साल के आखिरी सप्ताह में पहुंच चुके हैं. First of all, we want to thank you for all the good things that you have done in our lives, O God. सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो कुछ हमारे जीवन में तूने किया है अच्छे काम. Lord, we know that we were not faithful, we were not good. Forgive us our sins, O God. हम जानते हैं हम विश्वास योग्य नहीं थे. कई बार कई गलतियां हो चुकी. हमें तू माफ कर प्रभु जी. Forgive our sins, O God. हमारे पापों को तू क्षमा कर प्रभु. And help us, O God Jesus, to plan for 2020 and live a wonderful life, O God Jesus. हमें तू सहायता कर प्रभु ताकि अच्छी तरह से हम तैयार हो जाएं 2020 के लिए जिस प्रकार ठहराया हमारे. Cover us, Lord, under your wings, O Father. पिता तेरे पंखों के तले हमें छुपा दे. In Jesus name I pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. Amen. आमीन. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे.